नेपाल में शुक्रवार को हुई एक भयावह घटना ने कई परिवारों को शोक में डुबो दिया। भूस्खलन के चलते दो बसें त्रिशूली नदी में बह गईं, जिसमें कई यात्रियों की जान चली गई। इस बस में कई भारतीय भी सवार थे। सीतामढ़ी के दो युवक भी इस हादसे का शिकार हो गए। इनमें से एक युवक का शव यूपी के महाराजगंज में नारायणी नदी से बरामद किया गया, जबकि एक अभी लापता है। जानकारी के अनुसार ऋषिपाल साहा का शव शनिवार को चितवन पुलिस ने नारायणी नदी से बरामद किया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के करीब 50 किलोमीटर दूर उनका शव मिला। ऋषिपाल साहा जमुआ गांव के निवासी थे और उनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। उनके घर में इस खबर से कोहराम मच गया है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं विवेक कुमार, जो केवल 25 वर्ष का है, अब भी लापता है। विवेक की मां गीता देवी और बहन काजल कुमारी बेसुध हो चुकी हैं। पिता भरत प्रसाद साहा अपने बेटे के वापस आने की राह देख रहे हैं। भरत साहा का कहना है कि उनके गांव की किराना की दुकान का संचालन विवेक ही करता था। ग्रामीण उन्हें संतावना देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन घर में सन्नाटा पसरा है। बस हादसे के बाद से दोनों परिवार पर कहर टूट पड़ा है। बता दें कि नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड में सिमल ताल के पास भूस्खलन के कारण बसें त्रिशूली नदी में समा गई। ये हादसा शुक्रवार की सुबह 3:30 बजे हुआ। काठमांडू से गौर आ रही गणपति ट्रेवल्स और वीरगंज से काठमांडू जा रही एंजल बस दोनों ही इस दुर्घटना का शिकार हुई। बस हादसे में लापता लोगों के परिजनों का जमावड़ा घटना स्थल के आसपास लगा हुआ है। प्रशासन ने उनके निशुल्क खाना आदि रहने की व्यवस्था कराई गई है। उधर 4 किलोमीटर के जांच के दायरे को बढ़ाकर अब 10 किलोमीटर तक कर दिया है। नेपाल पुलिस और सेना के जवान और गोताखोर लगातार बसों की खोज में जुटे हैं। ये हादसा एक चेतावनी है कि प्राकृतिक आपदाएं कितनी खतरनाक हो सकती है। लोकल 18 के लिए सीतामढ़ी से भरत कुमार चौबे की रिपोर्ट।